दक्षिण भारतीय फिल्मी जगत से एक दुख भरी खबर सामने आ रही है। प्रसिद्ध मलयालम अभिनेत्री के पी ए सी ललिता का मंगलवार देर रात निधन हो गया। 73 वर्षीय अभिनेत्री ने केरल के त्रिपुनिथुरा स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। ललिता के परिवार में उनके अभिनेता निर्देशक बेटे सिद्धार्थ भारतन और बेटी श्री कुट्टी है। जी हाँ, आपको बता दें कि उनकी शादी मलयालम फिल्म निर्देशक भारतन से हुई थी। जानकारी के मुताबिक ललिता बीते काफ़ी दिनों से बीमार थी। कुछ समय पहले ही उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिस वजह से उन्हें अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया था। ललिता ने एक्टिंग की क्षेत्र में थिएटर कलाकार के रूप में कदम रखा था। वो सबसे पहले KPAC के साथ जुड़ी थी और यहीं से उन्हें थिएटर कलाकार के रूप में अभिनय करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। ललिता ने साल 1969 में KS सेतु माधवन द्वारा निर्देशित कट्टू कुटुंबम से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। ललिता अपने करियर में अच्छा कर रही थी, लेकिन उन्होंने 1970 में आखिरी में अचानक ही फिल्मों से ब्रेक ले लिया। हालांकि उन्होंने 1983 में फिर से इंडस्ट्री में वापसी की। उन्होंने फिल्म कटाथे कलिकुडुर के साथ कमबैक किया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। अभिनेत्री ललिता ने पूरे करियर में 550 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। अपनी शानदार एक्टिंग के लिए वो कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी है। उन्होंने 4 राज्य पुरस्कार जीते हैं और वो 2 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल कर चुकी हैं। जी हाँ, हम उनके आत्मा की शांति की दुआ करते हैं। आप भी दुआ कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 लाइव से सुरभि की रिपोर्ट।